आलू आलू एवरीवेयर। तो ये एक्टर अभी आएगा यहाँ पे, ये पूरा दर्द जो सॉइल है उसके अंदर जो पोटैटो है उसको निकाल के जाएगा। तो ये बर्ड्स इनके पीछे क्यों आते हैं, क्योंकि इनको मिलता है इंसेक्ट वर्म जो भी सॉइल के अंदर होता है, इसके लिए वो एग्जैक्टली ट्रैक्टर के पीछे रहते हैं हमेशा। तो ये पूरा फार्म, ये सारे फ्रेश फ्रेश अल्ट्रा हाई मैक्स प्रो फ्रेश पोटैटोज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज प्रो मैक्स एंड दिस इज मिनी। तो चलो करते हैं ज्ञान की बातें। सो आप लोग को मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ पोटैटो फार्मिंग से रिलेटेड। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आएगा। पहला तो ये, दिस पोटैटो इज अ कूल वेदर क्रॉप, कूल एनवायरमेंट विच रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। अक्टूबर से लेके मार्च तक थोड़ा सा कोल्ड वेदर रहता है, स्पेशली इन गुजरात। सो दैट इज़ दी बेस्ट टाइम टू ग्रो पोटैटो। दूसरा जो चीज़ चाहिए होता है टू ग्रो पोटैटो इज द लूज सॉइल। तो इनिशियल फेज में क्या होता है कि अगर आपका जो सॉइल है आप इफ़ यू कीप इट वेरी टाइट, उसको ग्रो करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। ओके, सो ग्रो करने के लिए डू वी नीड सीड्स और एनी अदर थिंग? सो नो, यू डोंट नीड एनी सीड। यू नीड ट्यूबर्स और यू कैन ऑल्सो टेल इट एज अ पोटैटो सीड। अब ये पोटैटो सीड होता क्या है, मतलब इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल सीड, एक ऐसा नॉर्मल जैसा आलू होता है वैसा ही आलू रहता है, बट इट हैज़ अ ट्यूबर। आई जस्ट शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी ट्यूबर्स होते हैं वो सीड्स को हम लोग इस सॉइल में डालते हैं। वो सॉइल में डालने के बाद एवरी 7 days में एक बार पानी देना होता है। अराउंड 15 days में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र खाद वगैरह डालना होता है। उसके बाद आफ्टर 80 to 100 days सारे पोटैटोज़ ही फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं। इसको अपन इंडिविजुअली या मैन्युअली हाथ से अगर खेदने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड दैट विल नॉट बी एन ऑप्टिमल थिंग टू डू। तो देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, वन इज़ ट्रैक्टर एंड वन इज़ दी बुलक कार्ट। ये जो प्रोसेस आपने अभी देखा जहाँ पे सारे आलू को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया गया है, अभी द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि उनको मैन्युअली एक जगह पे गैदर कर दिया जाए, और गैदर करने के बाद सो देर आर मैनी पीपल डूइंग द सेम टास्क हियर। सो देयर जॉब इज़ जस्ट टू कलेक्ट द पोटैटोज एंड गैदर इट, एंड देन इसको हम लोग सैक में भर देंगे एंड देन वील सेल इट इन द मार्केट। देन दैट्स द होल प्रोसेस। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस। ओके, सो थोड़ी सी गुफ्तगू बाकी रह गई थी, उसको करते हैं कम्प्लीट। द क्वालिटी ऑफ द ट्यूबर्स इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन इट कम्स टू ग्रोइंग ऑफ पोटैटो, बिकॉज मैंने येस्टरडे ओनली एक फार्म में गया था जिन्होंने थोड़ा सा सस्ता ट्यूबर्स लिया था, और उन्होंने उनको आई सॉ द अप्रॉक्सीमेट प्रपोर्शन। तो उस प्रपोर्शन के वे में मुझे ये पता चल रहा है कि उनका 40% माल पूरा ख़राब हो गया था। अब ख़राब हो गया था का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे कॉमन स्कैब्स थे। तो स्कैब आप लोग को मैं बताऊँगा। ये वाले आलू सारे खराब हो गए बेसिकली, स्कैब बोलते हैं लोग यहाँ पे। सो ये टाइप का जो होता है इसको मतलब बेसिकली ये सड़ गया है। जस्ट हैव अ लुक एट द साइज ऑफ द पोटैटो हियर, बट ये वेस्ट है बिकॉज यहाँ पे स्कैब आके। तो इसको बोलते हैं स्कैब। तो ये जो स्कैब होता है कॉमन स्कैब, ये काफ़ी चीज़ों की वजह से होता है। इसको अपसाइड डाउन रखा होता है एंड जो सॉइल होता है वो ज़्यादा टाइट होता है। मेन रीज़न जो होता है वो होता है मॉइस्चर, जो कंटेंट होता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल।
इज़ वेरी लो, को बाकी सब मैनेजेबल है बट कॉमन स्कैब इज़ नॉट गुड, तो जिसके वजह से फार्मर्स को बाद में मार्केट प्राइस भी कम मिलता है, कम क्या मिलता ही नहीं है बिकॉज आलू सड़े हुए आलू का कोई प्राइस थोड़ी ना देता है, तो दैट्स बेसिकली अ लॉस दैट अ फार्मर हैज़ टू बेयर। और अभी थोड़ी देर पहले मजदूरों की पावड़ी चल रही थी, तो एक मजदूर का मस्त क्रिएटिविटी आप देख सकते हो यहाँ पे, उसने अपने उंगलियों से किया है ये पूरा, लुक्स नाइस राइट। ये आलू बिकेगा नहीं यहाँ बट ये खाली क्रिएटिविटी पर्पस के लिए अच्छा है।